हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम समरी करेंगे चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर की साइंस बुक ग्रेड 8 सीबीएसई से। एयर पॉल्यूशन जो है तब होता है जब एयर में जो मौजूद पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों को नुकसान पहुंचाएं और साथ ही साथ हार्मफुल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को भी प्रोड्यूस करें। वो सब्सटेंसेस जिनकी वजह से हार्मफुल चेंजेस होते हैं एयर के अंदर, उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं और ज्यादातर इन्हीं पॉल्यूटेंट्स की प्रेजेंस की वजह से एयर में एयर पॉल्यूशन होता है। अब इसके कारण क्या है, किस वजह से होता है? जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में या व्हीकल्स में उनको जलाते हैं, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। या हम फायरवुड, डंग केक्स इनको जलाते हैं, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जो है रिलीज करे जाते हैं एयर के अंदर नेचुरल इवेंट्स द्वारा, जैसे अगर डस्ट स्टॉर्म आ गया, फॉरेस्ट फायर हो गई या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। अलग अलग टाइप्स होते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के। अब जैसे ऑटोमोबाइल से जो निकलता है वो बहुत ही हाई लेवल का कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और स्मोक है। इससे क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ये भी जो है एक तरह से एयर पॉल्यूशन का ही नतीजा है। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल, अगर वो पूरी तरह से नहीं जलते हैं तो उससे क्या होता है, कलरलेस, ओडरलेस और टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जिससे पोल्यूशन होता है। स्मॉग क्या होता है, स्मॉग जो है एक तरह से स्मोक और केमिकल्स का फॉग के साथ मिक्सचर है हवा में। जो केमिकल कॉम्पोनेंट्स हैं स्मॉग के, उसमें आते हैं आपका ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मॉग की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं और जैसे कि एस्थमा और कफिंग। अब जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है बहुत ही भारी मात्रा में पेट्रोलियम रिफाइनरीज द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इनके एमिशन की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं या परमानेंट लंग डैमेज हो जाता है। CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन होती है। ये जो है पहले रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल करे जाते थे और प्रोपेलेंट की तरह एसरोल में या एयर स्प्रेज में। इससे क्या होता है, जो ओजोन लेयर है वो खत्म हो रही है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से सन की। सूट क्या होता है, सूट तब रिलीज होता है जब ऑटोमोबाइल्स में फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल बर्न होते हैं। पार्टिकल्स जो सूट के हैं वो हवा में ही रह जाते हैं बहुत लंबे समय तक और जिससे क्या होता है कि हमारी जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ये काफ़ी हार्मफुल है हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उससे जो है रेस्पिरेटरी डिजीज होने का खतरा है। पावर प्लांट्स, स्टील और माइनिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस तरह के हार्मफुल पार्टिकल जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिलीज करती हैं। एसिड रेन क्या होती है, पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कि इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जब हम रबर प्रोसेसिंग करते हैं, ऑटोमोबाइल केमिकल्स बनाते हैं या मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है आगरा के पास, ये सब जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं ताजमहल के डीकलराइजेशन के लिए। ये गैसेज जो है वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं एटमोसफियर के अंदर और फिर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। ये जो प्रेसिपिटेशन है ये इन एसिड्स को जो है दोबारा धरती पर ले आता है एसिड रेन की फॉर्म में। जो ताजमहल का कलर खराब हो रहा है या ताजमहल की जो बिल्डिंग है उस पर असर आ रहा है वो इसी एसिड रेन का रिजल्ट है, जिसको ये हम मार्बल कैंसर भी कह सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है पहले से ही शुरू हो गई है, क्योंकि अब जो पोलर आइस कैप्स हैं वो पिघलने लग गई हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल सी लेवल है वो बढ़ रहा है। गैसेज जैसे कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये सब भी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं, चाहे उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो, और इसी वजह से इनको जो है हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। कौन से हम ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकें, जैसे कि हम CNG का इस्तेमाल करें बजाय या अनलेडेड पेट्रोल्स का इस्तेमाल करें अपने ऑटोमोबाइल्स में। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे कि सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, विंड एनर्जी है, इसकी तरफ ज़्यादा हम स्विच करें। प्लांट्स को है या ट्रीज हैं, इनकी जो है आपको और ज़्यादा उगाने होंगे, इनको लगाना होगा ताकि एयर पॉल्यूशन रोका जा सके। अगर आप स्कूल जाते हो बाइसिकल पे तो आप कोशिश करो कि बाइसिकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग का सहारा लो। जो पत्ते, ट्रैश या वेजिटेबल मैटर होता है उसे जलाया जाता है, उसे भी कम से कम जलाया जाए। यहाँ तक कि जो सिगरेट स्मोकिंग है उसे भी रोकना चाहिए। अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। हमारी जो अर्थ है इस पे लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल होती अगर पानी नहीं होता। वाटर
एक तरह से अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट कवर किए हुए है और हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 75% वाटर ही है। वाटर बॉडी को हम तब कहते हैं कि वो पॉल्यूटेड हो गई जब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो उसको खराब कर देते हैं, पीने लायक नहीं रह जाता और काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहते हैं उनके लिए खतरा बन जाते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि सीवेज है, सिल्ट है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं या जो डोमेस्टिक वेस्ट हैं, ये सब वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ये पानी की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, उसकी स्मेल बदल देते हैं, कलर बदल जाता है और पूरी तरह से पीने के लिए अनफिट हो जाता है। पॉल्यूशन जो है ये वाटर बॉडी में कैसे एंटर करता है इसके भी कई रास्ते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज है, आपका एग्रीकल्चरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बह जाते हैं, सॉइल इरोजन हो जाता है, एसिड ड्रेन हो जाती है, या आपका केमिकल्स जो कि इंडस्ट्री से रिलीज किए जाते हैं या जो बाकी वेस्ट हैं शहरों और टाउन से वो सब पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है, ये एक ऐसा वेस्ट वाटर है जो हमारे घर से आता है, इसमें बहुत सारे डिसॉल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं। पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, यानी लोग जो हैं वो अपने गार्बेज को डंप कर देते हैं स्ट्रीम्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में। इससे क्या होता है, ये जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है कैन से, प्लास्टिक बॉटल्स से या आपके हाउस होल्ड वेस्ट से। फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। इससे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर या इरिगेशन से जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। अब जैसे ये वाटर पानी में सीप करता है या सॉरी ग्राउंड में सीप करता है तो इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और उससे वो पानी पॉल्यूट हो जाता है। वेस्ट वाटर जो रिलीज करा जाता है मैन्युफैक्चरिंग से या केमिकल प्रोसेसेस द्वारा इंडस्ट्रीज के अंदर, वो भी वाटर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे गंगा नदी बहती है, वहाँ क्या होता है लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, यहाँ तक कि वाटर में इवन डेफिकेट भी करते हैं। वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में गार्बेज, फ्लावर्स, आपकी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, अनट्रीटेड सीवेज, जो एनिमल्स के आपके स्केलेटन्स होते हैं, बॉडीज होती हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन्स होती हैं, बैग्स होते हैं, उनको डायरेक्टली नदी में फेंक देते हैं। जो इंडस्ट्रीज गंगा नदी के किनारे हैं जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल और शुगर मिल्स, ये सब जो है टॉक्सिक केमिकल वेस्ट सारा का सारा अपना पानी में ही डिस्चार्ज कर देती हैं। जो केमिकल कंटेमिनेशन है वाटर का वो बेसिकली केमिकल्स की वजह से है और इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो आर्सेनिक, फ्लोराइड्स, लेड्स इनके होते हैं, जिसकी वजह से जो पेड़ हैं या जो जानवर हैं वो मर जाते हैं। सॉइल पे भी बहुत ज़्यादा असर आता है इस पॉल्यूटेड वाटर का, क्योंकि उससे जो उसकी एसिडिटी में जो है फर्क आ जाता है और इसकी वजह से जो प्लांट की लाइफ है उसकी भी ग्रोथ में असर आता है। पॉल्यूटेड वाटर जो है अनसुटेबल होता है पीने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए। ये जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, ये जो दूषित पानी होता है, ये एक्वेटिक लाइफ को भी ख़राब कर देता है और उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को भी कम कर देता है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी के अंदर उसकी क्वांटिटी भी कम होती जाती है, इसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं गैसेस छोड़ते हैं जैसे कि मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो भी एक तरह से फाउल स्मेल छोड़ जाते हैं और जो पूरी वेस्ट फील्ड है बॉडी वो एक तरह से ना कहना चाहिए पूरी पानी को उससे भर जाती है या वो पानी को पूरी तरह से भर देते हैं। लार्ज क्वांटिटीज में जो केमिकल्स हैं वो इन्हीं फील्ड से बह के पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जब वो पानी बह के जाता है तो वो कहीं तो इकट्ठा होता है, वहाँ जो इकट्ठा होता है तो वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है। एक बार जब एल्गी मरती है तो वो एक तरह से बैक्टीरिया के खाने का काम करती है, उसकी वजह से जो बहुत सारा ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो इन्हीं एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है और वो मर जाते हैं। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, वो वाटर जो कि सूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं ये वेस्ट वाटर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, पहले उसको रिवर्स और लेक्स में रिलीज करने से पहले जो सीवेज ट्रीटमेंट है प्लांट्स का वो इसी वेस्ट वाटर को प्योरीफाई करने का है। म्यूनसिपल बॉडीज जो हैं वो पहले पानी को ट्रीट करती हैं, फिर उसके बाद जो है हाउस होल्ड में उनको सप्लाई किया जाता है। कुछ जो पॉपुलर तरीके हैं जिससे हम पानी को पोर्टेबल बना सकते हैं वो है कैंडल टाइप वाटर फिल्टर्स का इस्तेमाल करें, बॉइलिंग के लिए यूज़ करें या फिर क्या कहते हैं क्लोरिनेशन करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल ये एक पॉपुलर मंत्र है और ये हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसको प्रैक्टिस में लाए। किस तरह से हम पानी बचा सकते हैं,
जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, आप उसको करें या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें एग्रीकल्चर के लिए, जो वॉश्ड वेजिटेबल्स हैं उस पानी को आप दोबारा इस्तेमाल कर लें, या वाटर कंजम्पशन का कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी समरी पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर की। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।